बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे अब परफॉर्म करके, एंड आई एम फीलिंग वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मुझे यहाँ पे परफॉर्म करने का मौका मिला। हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी और कैबिनेट मंत्री, यूनियन मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब जो यहाँ पर ये ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, और मेरे लिए बोलना इसलिए मुश्किल हो रहा है क्योंकि मेरे पास शब्द कम पड़ रहे हैं कि उनकी इस खुशी में उनके लिए क्या कहूँ और क्या नहीं कहूँ कि हमारे प्रधानमंत्री साहब और हमारे ये जो कल्चरल डिपार्टमेंट के जितने लोग हैं, ये निर्धन और असहाय लोग जिनके लोग सपोर्ट नहीं करते आगे आने में, देखिए कितना हुनर है लोगों में। मेरे तो मतलब समझ लीजिए कि मैंने देखा यहाँ पर कि हाथ से बनाई हुई चीज़ें इतनी खूबसूरत हो सकती हैं कि मशीनों को टक्कर दे दें। तो हुनर हाट का यही मोटिव है कि हमारे देश के जितने भी शिल्पकार हैं या जो हस्तकला से एक्सपर्ट हैं लोग, वो आगे जाएं, वो देश विदेश में अपना नाम कमाएं। यहाँ से कई लोग जो आए ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी, कई विदेशियों ने भी आकर के यहाँ पे शिरकत की है और उन्होंने भी यहाँ पे ख़रीदारी की, उनसे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस लिया यहाँ पे अच्छा खासा। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि मुझे ये प्रोग्राम दिया गया, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू परफॉर्म दिस। थैंक यू सो मच। हाँ, खासतौर से मैंने देखा कि पंजाबी, गुजराती, मराठी, राजस्थानी, हर तरह के क्षेत्रीय भाषा के नृत्य, क्षेत्रीय भाषा के गाने, क्षेत्रीय भाषा का खाना, मतलब आप अगर पूरे मेले में टहलें तो आपको पंजाबी खाना, गुजराती खाना, मराठी खाना, राजस्थानी, जयपुरी, चंदेरी सिल्क साड़ियाँ और ये लकड़ी के जो सामान सारे होते हैं जो हम सजाने के लिए रखते हैं, कालीने और हाथ से बनाई हुई बॉल हैंगिंग आर्नामेंट्स सारे, मतलब अल्टीमेट है। मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं किसी ओपन मॉल में हूँ जहाँ पे अपने हाथों से बनाई हुई चीज़ें, जिन्हें बड़ी शिद्दत से बनाया गया होगा, ऐसी चीज़ें यहाँ पे बिक रही हैं। सिंगिंग की बात करें तो आपने स्टेज पे इतना अच्छा परफॉर्म किया है, तो क्या गाएंगे, कैसे इतना सारा आपके अंदर जो जोश आता है, किस तरह से आप परफॉर्म करते हैं? बस ये समझ लीजिए कि जैसे मंच पे जाती हूँ और माइक हाथ में होता है तो ऐसा लगता है दूसरा हाथ माँ सरस्वती ने आगे पकड़ लिया हो। तो संगीत का मुझे हमेशा से बहुत शौक रहा है और इसके लिए जब सामने पब्लिक होती है और हाथ में माइक होता है तो ऑटोमेटिकली म्यूजिक निकलता है अंदर से, तो आई एम वेरी हैप्पी होता है। आपकी ड्रेस की बात करें, सैंटा लग रही है आप, नया साल आया तो क्या इसीलिए नहीं, ये मुझे मेरी एक ये एक्चुअली मुझे मेरी एक फ्रेंड ने गिफ्ट किया था, क्योंकि चूँकि कल्चर को प्रमोट करना है तो इंडियन वेयर और अलग अलग डिफरेंट स्पार्कलिंग ड्रेसेस एंड ऑल वो सारे हमें वेयर करने हैं, तो ये सिर्फ एक इत्तेफाक है कि सेंटा क्लॉज जैसे ड्रेस मैंने पहनी हुई है, एंड आई हैव सेंटा क्लॉज बैग ऑल्सो जिसमें बच्चों के लिए बहुत सारी टॉफियाँ और बिस्किट भरे रहते हैं, जो रास्ते में जो बच्चे भीख मांगते हैं ना, मैं उनको कभी भी पैसे नहीं देती उनको, वो बिस्किट का पैकेट या छोटी छोटी टॉफियाँ, चॉकलेट, ये सब मैं बांट देती हूँ। नए साल की तैयारियां अभी मुझे खुद नहीं पता क्योंकि शोज़ बैक टू बैक हैं, तो नए साल में भी गाऊंगी और नए साल में मनोरंजन करूंगी लोगों का। मे बी आई विल बी देयर, भोपाल में रहूंगी मैं शायद। सर उसके लिए मैं वहाँ से आपको वीडियो भेज दूंगी, ऐड कर लीजिएगा। दर्शकों से और चाहने वालों से यही कहना चाहूंगी कि जो जिन लोगों ने अभी तक ये मेला नहीं देखा है उनसे मेरी गुजारिश है कि टाइम निकाल के BKC MMRDA ग्राउंड में आइए और मेला भी देखिए, खाना भी खाइए, नाश्ता भी कीजिए, चाय पीजिए, और ये जो हमारा मंच है इतना खूबसूरत मेहनत से बनाया गया है, हमारे सहयोगी नीरज जी बड़ी मेहनत कर रहे हैं इस पर और मंच को परफेक्ट बनाने के लिए, तो शाम को 6 बजे से स्टार्ट हो जाता है और 10 बजे तक मस्ती धमाल, आप एंटरटेनमेंट भी कर सकते हैं। कुछ सिंगिंग के बारे में बताइए, कुछ ऐसा एल्बम में आप आने वाली हैं? एल्बम का ऐसा कोई नहीं, एल्बम का कोई ऐसा सीन नहीं है। फिल्मों में मेरे हो सकता है गाने जो मैं गा रही हूँ कुछ वो आएंगे, पहले से बोल देने से कुछ भी नहीं होता है क्योंकि कई बार हम रिकॉर्डिंग करते हैं, रिलीजिंग होती है नहीं होती है, तो वो सब एक बड़ा फिर थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल भी रहता है, तो इसके लिए बस गा रही हूँ
गाऊंगी और गाती रहूंगी। अब वही है, नहीं, मैंने प्लान नहीं किया, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मेरा सोचना है आई वॉन्ट टू जंपिंग टू द विंडो, सब लोग दरवाजे से जा रहे हैं और मुझे खिड़की से जाना चाहिए, क्योंकि जो हर तरह का जो लोग कर रहे हैं मुझे थोड़ा उससे हटके करना चाहिए। तो बस अपना रियाज, अपनी मेहनत और अपने लोगों पर भरोसा है, अपने सहयोगियों पर भरोसा है, तो मुझे लगता है मुझे सिंगिंग में वो मुकाम जो मैं चाहती हूँ मुझे मिल जाएगा।